गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस देखो पलक अभी भी सो रही है और सुबह भी लेट उठी थी। कितने बजे उठी थी? 8:30, नहीं 9 उठी थी ना, और अभी भी सो रही है। उसको नींद, इतनी नींद आ रही है, इतनी नींद आती है, गहरी नींद में सो रही है। मेरी दवाई में दारू है। पागल है क्या? तेरी दवाई में दारू है? मेंटल है गाइस ये, इसकी दवाई में दारू है। इसकी जो जो दवाई है वही मैं पी रही हूँ। और गाइस ये आ चुका है स्कूल से सर दर्द कर रहा और इसका हूँ। सर दर्द कर रहा है क्योंकि पढ़ाई में ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इसलिए इसका सर दर्द कर रहा है। अब इसको ट्यूशन जाना है, इसलिए इसका सर दर्द हो रहा है। ट्यूशन जाएगा, फिर ट्यूशन से आएगा 7:30। गाइस इसकी मैडम का टाइमिंग नहीं है कोई, कभी 7:30, नहीं सॉरी कभी 5:30, कभी 4:30, कभी 3:30, कभी 4:30। आज 5:30 का टाइमिंग है इसका और 7:30 तक का। कल इसका 4:30 से 6:30 तक का था, समझ में ही नहीं आता। और कई बार हम व्हाट्सअप देखना भूल जाते तो ये रह भी जाता है। और देखो पलक, देखो अभी भी कितनी गहरी नींद आ रही है। देखो इतना हम इसके पास बैठ के शोर मचा रहे फिर भी गहरी नींद में सो रही है। और ये भैया देखो ये छेड़ रहा है, फिर पिटेगा उससे, फिर धुमाई खाएगा, धुमाई धुमाई खाएगा, धुमाई। उठ जा बेटा, अब इतनी देर कोई सोते हैं? मान जा मच्छेड़ पे, तू पिट रहा है उससे फिर रोएगा, दे ले छेड़ रहा है ना, छेड़ कर करके। बहुत गाइस ये बदतमीज है, देखो बदतमीजी देखो इसकी। गाइस पता क्या कह रहा है, इसके गुड्डे फेंक दूं? और इसके गुड्डे फेंकेगा तो लड़ाई होएगी होएगी। कह रहा है इसके गुड्डे फेंक देता तो फिर लड़ाई कर लूं। देख लो ऐब करता है लड़की से, और एक थप्पड़ का नहीं है, एक थप्पड़ में फिर मम्मी 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 करता डोलेगा। ये हाल है गाइस। पता पीयूष का क्या हाल है? पीयूष को मैं डांट दूंगी तो ये पापा का सगा हो जाता है, पापा डांट देंगे तो ये मम्मी का सगा हो जाता है, और मम्मी और पापा दोनों डांट देंगे तो ये दीदी का सगा हो जाता है। पहली बात तो मेरी मम्मी सबसे लड़ती रहती है। किस किस से? बता सबसे, बता दो सही, सब जिन जो भी है घर में सबसे। पीयूष से कितना लड़ती हूँ सच बताइए, ज्यादा है कम? इतना ज्यादा गाइस, पीयूष से सबसे ज्यादा लड़ती हूँ मैं, देख लो, क्योंकि इसकी जिदें पूरी नहीं होती। गाइस पता है आज इसने क्या चाल चली स्कूल से आके? क्या गाइस ये लड़का जो दिख रहा है इतना सही, पता है क्या कह रहा? मम्मी मेरे को ना पत्ता गोभी की सब्जी अच्छी नहीं लगी, ये बचा लाया, ये रोज सब्जी बचा के लाता है, एक दिन नहीं। फिर पता क्या इसने सोचा कि अगर मैं कह दूंगा पत्ता गोभी की सब्जी अच्छी लगी मैगी बन जाएगी। देखो मैंने इसको मैगी नहीं बनानी थी, मैंने कहा मैगी नहीं बनेगी एक हफ्ते तक, क्योंकि इन्होंने एक हफ्ता है ना मैदा खाई है। ओ गाइस काट गया कमीना। गाइस पता है मैंने इसको मैगी नहीं बनाई, तो ये कह रहा है मम्मी ठीक है तो जो है वो दे दो। मैंने कहा कुछ भी नहीं है, तो कह रहा रोटी सब्जी, बोला रोटी सब्जी, मैंने कहा रोटी सब्जी ही मिलेगी। फिर मैंने इस गाइस इसको पराठा बना के दे दिया, तो इसने चुपचाप खा लिया अचार के साथ और चटनी, नहीं तो ये पूरा पूरा मैगी के चक्कर में था कि दीदी सो रही है और मैं मम्मी से कह दूँ कि मुझे सब्जी अच्छी नहीं लगी तो मेरे को मैगी बन जाएगी या पास्ता बन जाएगा। मैंने कह दिया था इनसे एक हफ्ता नहीं बनाने दूंगी, उसके बाद कुछ भी खाओ। ठीक है ठीक है, समझ गए लोग। पहले तो ठंड में धूप तो आती नहीं थी, अब इतनी धूप आती है, टाई बताऊं मैं, है टाई बताऊं, देखना सूरज। गाइस ये ना गर्मी वाली धूप है आज की, तो आज स्कूल से आते हुए भी ना धूप और लग रही थी, गर्मी लग रही थी। ये देखो सूरज, ये देखो घर, ये देखो घर, ये देखो इंसान। और गाइस आज हमारी गली में हो रहा है वाईफाई वाले भैया ने काम कर, गाइस आज हमारी गली में हो रहा है वाईफाई का काम, वाईफाई के जो तार है पता नहीं कुछ दिक्कत आ रही होगी, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये वाईफाई वाले, ये वाईफाई वाले ये ना, हाँ ये दिखाता हूँ मैं आपको, तार वार को लगा रहे हैं। गाइस देखो लग रहा है किसी ने अपने घर का कनेक्शन करवा रहा है कोई वाईफाई से, ये लोग वाईफाई लगवा रहे हैं, वाईफाई लगा रहे हैं। एंड गाइस कल है मेरा, ओ कल थोड़ी ना, कल तो छोटे बच्चों का है, कल छोटे बच्चों का है कार्निवल, फिर परसों है मेरा कार्निवल, फिर है संडे, फिर मिल जाएगी हमें छुट्टी, धन्यवाद। गाइज आपको पता है मेरी बहन स्कूल जाना पसंद नहीं करती, और मैं स्कूल जाना ही पसंद करता हूं। आप क्यों जाना पसंद करते हो ये बताओ? क्योंकि स्कूल में आते हैं मुझे मजे और दीदी को नहीं आते मजे, और मम्मी चाहेंगी क्लास में। तू मजे के लिए स्कूल जाता है? मजे क्या यार, हाँ दोस्त मिलते हैं तो बातें कर लेते हैं, घर पे बैठे बैठे मम्मी लड़े, पापा लड़े, अम्मा लड़े, सब लड़े मेरे से, बताओ मैं क्या करूं। छोटे से बच्चे पे अत्याचार,
उधर बैठ जाऊं, उधर उधर ना बैठने दे, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, टीवी देख तो स्कूल स्कूल में तो क्या खेलता है। हाँ पढ़ते हैं पर यार हम पीटी पीरियड में खेल लेते हैं, मजे भी आते हैं, हम थोड़ी सी बातें भी कर लेते हैं, अपने फ्रेंड से मिलते हो है ना। और ये झूठ कह रही है, इनकी क्लास में बहुत सारे बच्चे आ रखे थे। बेटा अभी है ना वो उसकी 26 जनवरी की तैयारी चल रही है, मैंने पता कर लिया। पता है तैयारी चल रही है, वो आ रहे होंगे जिनकी प्रैक्टिस है, ठीक है। पहले आँख खोल के तो पता रहता है, नहीं बिना मतलब में कुछ। शट अप फलो फलो, कैसे स्माइल दे रही है, दियो यू शट अप, छोटी सी स्माइल इनसे अच्छी तो मेरी स्माइल दिखा। आय हाय मैं तो फिदा हो गई मेरे बेटे पे इतनी प्यारी स्माइल देख के, आय हाय दांत नहीं। पता है मम्मी आपको फर्त का या फिर फूट गया था कैसे पता है, एक स्टेप था जिसमें हमें आगे बच्चे खड़े हुए थे यू ठीक है सारे, और पीछे हम उनके मतलब ऐसे यू थे घोड़े की पोजीशन में, भाग के आना था हमारे ऊपर पैर रख के कूदना था, मैं बन गया था क्योंकि मेरे से हुआ नहीं था शुरू में, तो वो कूदा उसको पैर स्लिप हुआ मुंह के बोल यूं गिरा, तो ज्यादा छोटा गई बहुत ज्यादा पूरा ये फूल गया। फिर वो अगले दिन आया, मैंने बोला तेरी मम्मी करने देंगे डांस, कह रहा हाँ। वैसे गलती से गिरा था, जान के तो नहीं गिरा था, तो जान के कौन गिरता हाँ। है तो क्या हुआ, वो कह रहा मैं घोड़ा मैं वहां पे जाके लगूंगा, मैंने बोला नहीं तू नहीं लगेगा मैं लगूंगा क्योंकि मेरे से नहीं होगा। तो मैडम सर ये करवाने देते हैं ऐसे किसी बच्चे को चोट आ जाए तो? नहीं एक बार गिरा था पर, वो सेफ्टी करी थी पर सर कह रहे गद्दे वद्दे नहीं लगाते क्या? अरे कैसे करेंगे कितनी बार, अब देखो सर की भी गलती नहीं है, सर सर हमें अच्छी तरीके से समझा रहे, बच्चे ना खेलते खेलते करते हैं मस्ती करते करते बस वही है तुम्हारी गलती होती है। म्यूजिक वाली मैम कह रही जो एक सर का नाम लिया था उन्होंने ना ब्लाइंड फोल्ड लगा के करवाया था, कुछ घुमाया था पूरा हवा में, कह रहे वो वाले बच्चे बहुत ठीक थे, हमारे वाले बैच के बहुत ज्यादा शेर। अच्छा तूने किसमें भाग लिया है? मैंने रिपब्लिक डे के फंक्शन में भाग लिया। कौन सा गाना है? गेट रेडी टू फाइट है। और फिर वो जाके लग गया, मेरे से तो होता नहीं, फिर शुरू के दो चले गए तो सर भी मुझे देख रहे, मैं भाग के गया, मैंने पैर रखे उन सबके ऊपर से कूद दिया सीधा मैं। फिर मैंने बोला हो अब तो हो जाएगा, क्योंकि अब हो रहा है तो हो जाएगा, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। पता है पहले मैं कर रहा था पर फिर सार्थक भी कर रहा था कोई और ना हुआ था, फिर ना वो बच्चे पहले बैठे हुए थे फिर सर ने उन्हें खड़ा करवा दिया तो फिर डर लगने लग गया था हमें। और गाइस अभी मैं हूँ छत पे, और आपको पता है कि हमारे हमारे स्कूल का टाइमिंग ना 8 बजे तक 8:45 तक हमें पहुँचना है स्कूल में, 8 बजे से 8:45 के बीच में पहुँच जाओ, और फिर छुट्टी टाइम है 2:00। यस दिस इज राइट। एंड गाइस आपको पता है एक बात बताऊँ कि मैं ना इसके ऊपर से भी कूद रखा हूँ यहाँ पे, एक बारी कूद गया था, क्यों कूद गया था, मन कर रहा था, मन क्या कर रहा था यार, मैं ऊपर चढ़ गया, मैंने एक बच्चा ना हम उधर ना उस वाली गली में एक पीछे गली है इससे भी ऊंची दीवार है वो, हाँ नहीं इतनी होगी या फिर इससे हल्की सी ऊंची और होगी दीवार वाली उस गली की, पता है वहाँ से मैं कूदा था, हम छुपन छुपाई खेल रहे थे, हम प्लॉट के अंदर चले गए, अब जाने का रास्ता नहीं, एक बड़ा बच्चा वो कूद गया, दूसरा बड़ा बच्चा वो भी कूद गया, मैं फंस गया, और जो मेरे जितना बच्चा था वो गेट पे पैर रख के उतर गया, मतलब गेट पे पैर रखा गेट से टाइल पे टाइल से उतर गया, अब मेरे से वैसे उतरा ना जा रहा क्योंकि मेरी टांग लंबी, और फिर मैंने क्या किया उन्हें बोला कूद जा मैं नीचे, मैं सीधा कूदा किसी ने नहीं पकड़ा और मुझे कुछ नहीं कूदा, इससे नहीं कूदा मैं उसी से कूदा। गाइस जल्दी आप देखो वो वाला घर दिख रहा है वहाँ पे अंकल चढ़े हुए हैं, ये ना देखो अंकल कबूतरों को निकाल रहे हैं, देखो इन अंकल का ना कबूतरों का काम है, कबूतरों को निकाल रहे हैं ये, और इनके कबूतर ना यहाँ यहाँ तक उड़ के आते हैं, वहाँ वहाँ तक भी जाते हैं, फिर वापस घूम के सीधा वहीं पर चले जाते हैं उसी पिंजरे के अंदर। गाइस आपको पता है 2023 में मेरी यहाँ पे बॉल गई थी, कोई कहाँ की बॉल, दिवाली से पहले गई थी, उतार ली किसी ने, क्या कर सकते, पूछूंगा अंकल से, अंकल ने बोला था ले जाइयो, मैं ही नहीं गया, क्यों नहीं गया, मन नहीं किया, मन क्यों नहीं किया क्योंकि वेल्ला हूँ, वेल्ला हूँ वेल्ला, इतने शाड़े वहां
आपको क्या लगा, गिर गया है? नहीं गिरा गाइस, अब मुझे करना पड़ेगा अपने ट्यूशन का काम। ट्यूशन का काम करके ट्यूशन जाओ, फिर ट्यूशन पे वापस आओ, फिर खाना खाओ, फिर पढ़ाई करो, फिर सो जाओ। डोंट टच मी। डोंट टच माय मेरे बेटे की बॉडी। देखना नमकीन मांग रही है। पलक तू पता कैसे लग रही है? भिख मंगी लोग नमकीन। और भाई नमकीन पता है, जब हम किसी रिश्तेदार के जाते हैं ना, हम किसी रिश्तेदार, मुझे नहीं खाने यार, चुप रहो यार दो मिनट। हम किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं ना, मेरी बहन नमकीन की प्लेट में हाथ मार के ऐसे खा जाती है। और तू? और पता कहती है थोड़ी सी नमकीन भी पैक कर दो। और आपको पता है गाइस, हमारे घर में सबसे ज्यादा नमकीन पसंद है मेरी बड़ी बुआ और मेरी बहन को, याद है? बुआ बेटी नमकीन के अलावा कुछ खाती ही नहीं। और आप? बेल पोड़े खानी, इसलिए मैं खा रही हूँ। ठीक है, आप क्या खाते हो? मैं खाती हूँ सबका सर। देखा, बता दी आज सच्चाई मम्मी ने। तीन चार पाँच छ सात आठ मारे, नौ दस ग्यारह लग रहे हैं। लाख पैसे, बेल पोड़े खा, पैसे अब तू कैसे बचेगा? भाग के पैरों पे भाग के। मम्मा आप इनकी साइड, तो तूने क्यों मारा? इनने भी तो मारा। कब मारा इसने? उधर देख लिया, एक बार भी नहीं मारा इसने। इनने पीठ पे घुसा मारा, पीठ पे घुसा। सॉरी बोल दी तुझको, कान पकड़। सॉरी, और एक थप्पड़ कभी दिसे पीठ पे घूमूंगा कल। दीदी आपको पता है, दीदी क्या करूंगा, आपको पता है, मैंने बस कैमरे के लिए मारा, बस कैमरे के। तो ये भी कैमरे के लिए मारेगी, मैं कैमरा कर देती हूं। ला पलक दे, इसके घुसंड खींच के। आज कैमरे के लिए, ये कैमरे के लिए घुसंड खा रहा, देख लो। इसने इस लड़की के गाल पे चाटा मारा, पटाक देनी से ज्यादा तेज लग जाएगी मम्मी, ज्यादा नहीं मारेगी, ज्यादा तेज। चल कैमरे के लिए घुसन दिखा रहा है ना, मांझा फट जाएगी, देख ले। इतनी देर में तो दे देती है खींच के, फिर पे लड़ा भी ना जाए पल्ला। मम्मा अब मार बस। सॉरी पृथ्वी दिख गई। गाइस देखो, ये हाथ मिला रहे, कह रहे मैं पास हो गया थप्पड़ खाने में, वाह 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 वाह। एम्बुलेंस शुभ शुभ नहीं बोलता कभी भी, गंदा। मैं बस पर नीचे से नमकीन लानी है, कहाँ से? नीचे से, नीचे हमारी दुकान है बिल्कुल, और वहां से नमकीन लाने में दीदी को कितना कष्ट हो रहा है ये बैठी। और सुबह से इससे पूछा जाए इसने क्या किया, पता क्या किया? उधर से उठी, यहाँ सोई, यहाँ से उठी, फिर सो गई, बस पढ़ी और सोई, और तीसरा कोई काम एक सुई उठा के नहीं धरी इस गाइस ने, इस लड़की ने, गाइस ने नहीं सॉरी, इस लड़की ने। और ये लड़का जब से आया है, जब से इसको कह रही नमकीन ला, नमकीन ला, नमकीन ला। क्यों लाऊं? हाँ क्यों लाए, क्यों लाऊं, क्यों लाए? मैं नौकर हूँ। हद करती है लड़की, नीचे से नमकीन क्यों दे, पैसे खुल लो, मैं क्या कह रहा था? ये रेजर कैसी है? ऐसी मिलती है, वो खत्म हो चुकी। ये रेजर मिलती है, वो और खत्म हो चुकी। गाइस यहाँ पीयूष अपनी पढ़ाई कर रहा है क्योंकि उसका ट्यूशन का टाइम होने वाला है, और पलक अपनी किताब खोल के पीयूष की रेजर देख रही है। प्याज काटती है, यहाँ टमाटर ग्राइंड करने के लिए रखती हैं काट काट के, ये आलू काटती हैं। अब हम बनाएंगे आज शाम को खाने में जवी, आजकल हम शाम को हल्का खाते हैं, और सब करके रख दिया। अभी हम मटर का इंतजार कर रहे हैं, अगर सब्जी वाला आ गया तो मटर लेंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही छोड़ देंगे। मैंने सुबह के लिए गाजर काट दिया, सुबह मैं बनाऊंगी गाजर की सब्जी। अब हम बनाएंगे चावी, और मटर वाला आ जाता है, बस थोड़ी देर इंतजार करेंगे, नहीं आया तो फिर बना देंगे, और क्या करें। वहाँ पलक अभी पढ़ रही है क्योंकि पलक के प्रैक्टिकल भी चल रहे हैं, जो पलक को जमा करानी है फाइलें, और पलक के पेपर भी आ रहे हैं, इस वजह से पलक पढ़ रही है। और पीयूष ट्यूशन गया है, और मैं आराम से कंबल में बैठी हूँ सारा काम करके, क्योंकि शाम को हम हल्का बनाते हैं तो इतना
जोर नहीं पड़ता, सुबह का ही हमारा थोड़ा सा रहता है। तो देखते हैं गाइस इसके बाद मटर वाला आता है क्या नहीं। गाइस ये देखो कितना ज्यादा धुआं निकल रहा है, जब ये बन के आ चुके हैं मेरे पास, अब मैंने खाऊंगी। तो गाइस आज के व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बाय।